हेलो डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट पार्ट इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस लास्ट हमने क्या पढ़ा था अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड एंड लिक्विड सो हेयर थर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वीक सो द मॉलिक्यूल्स इन गैसेज आर फार अपार्ट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर फ्री टू मूव दिस मेक्स द गैसेज फ्लो इजीली एंड फिल द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर कैप अब जो gases के molecules होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं फार अपॉट ईच अदर एंड दे कैन फ्रीली मूव वो फ्रीली मूव कर सकते हैं अपने प्लेस से इधर उधर जो है वो जा सकते हैं सो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होती है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस में बहुत ही वीक होती है क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं इसलिए उनमें फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगी इस वजह से जो है वो अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर सकते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं और जब हम किसी भी इजी कंटेनर में जो गैस को इजीली फ़िल कर सकते हैं सो गैसेस ना इधर है वो फिक्स शेप तो गैसेस की ना ही कोई फिक्स शेप होती है ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है क्योंकि हम जिस भी कंटेनर में गैस को कंटेन करेंगे वो उसी जो हमारे पास कंटेनर है कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप आ जाएगी सो नेक्स्ट वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एनीथिंग कोई भी चीज जिसका मास भार होता है ऑकोपाई स्पेस जो जगह घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं मैटर नेक्स्ट इज अ मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स द कंटेनर कम्प्लीटली हमने लास्ट जो हमने अभी पढ़ा कि हम किसको जो है कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं कंटेनर में दैट इज गैस नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट इन प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न दैट मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग डू यू नो हाउ दिस हैपन्स लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ हीटिंग और कूलिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर लास्ट क्लासेज में प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था इवेपोरेशन कंडेंसेशन कंडन चेंज ऑफ स्टेट है अब हम जो है वो वो स्टेट कैसे चेंज होती है उसके बारे में भी हम इस बार पढ़ेंगे सो हेअर फर्स्ट इज इवेपोरेशन लास्ट भी आपने के बारे में पढ़ा तो चेंज ऑफ लिक्विड इंटू दिटिंग इंटू वाटर पेपर दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द वॉटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग फास्टर दे विकम फ्री एंड एस्केप इंटू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वॉटर पेपर एंड कैन मूव मच मोर फ्रीली अब नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन तो इवेपोरेशन क्या होता है चेंज ऑफ लिक्विड जब लिक्विड स्टेट से गैसिड स्टेट में चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे इवेपोरेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास पानी है उसको हम बॉइलिंग के लिए रखते हैं तो अगर हम उसको बॉयल करते रहेंगे करते रहेंगे तो उस पानी का जो क्या बन जाएंगे वाटर के वाटर पेपर्स बन जाएंगे कैसे बनेंगे ऑन हीटिंग जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके वाटर के क्या बन रहे हैं वाटर वेपर्स, सो so, uh, अब जो उसके वाटर वेपर्स बन रहे हैं तो वो कौन सी स्टेट है गैसेज स्टेट है तो गैसेज स्टेट आप, आपको पता है मोलिक्यूल्स कैसे होते हैं फार apart from each अदर सो so, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली हवा में एयर में क्या हो जाएंगे स्केप हो जाएंगे मिल जाएंगे हवा में और जो है वो वॉटर बेपर्स वाटर है वो किस में चेंज रहेगा वाटर बेपर्स में सो इवेपोरेशन क्या होता है द चेंज ऑफ लिक्विड इन टू गैसेज स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन नेक्स्ट इज

कंडेन्शन होती है जब गैसेस स्टेट किस में चेंज होगी लिक्विड स्टेट में चेंज होगी उसको हम क्या बोलेंगे कंडेंसेशन सो इस प्रोसेस को हम एक बार जो कैसे है जो गैसेस स्टेट कैसे लिक्विड स्टेट में चेंज होती है उसको एक बार हम रिवाइज़ करते हैं सो so, जैसे हमारे पास वाटर पेपर्स हैं वेपोरेट हुए कैसे हुए जब हमने ऑन हीटिंग हीटिंग पे क्या हुआ वाटर के वाटर पेपर्स बने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने वाटर साइकिल पढ़ी थी तो आपने क्या पढ़ा था कि जैसे भी कोई भी यहाँ पे अर्थ पे पानी है तो वो क्या होता है सन की वजह से क्या होता है उस पर हीटिंग की वजह सन की हीट की वजह से क्या होता है वो वाटर से वाटर बेपर बनते हैं तो वाटर से जब वाटर बेपर्स बन रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे वेपोरेशन लेकिन अगेन जब वाटर वेपर जो, जो हैं वो एयर में मिक्स होंगे एय स्केप हो फिर उसके बाद जब वो हवा मिल जाएंगे उसके बाद कंडेंस जब होंगे कूलिंग पे जाके तो उसको क्या बोलेंगे हम कंडेंसेशन कंडेंसेशन में क्या होता है जो वाटर पेपर्स थे गैसेज स्टेट थी अगेन जब वो वाटर बन गए तो उसके क्या हैं क्लाउड्स बन जाते क्लाउड से क्या होती है फिर बारिश होती है तो जो हमारे पास क्लाउड्स बने वो कैसे बने जब हमारे पास वाटर पेपर्स थे वो क्या थी गैसेज स्टेट थी तो लिक्विड स्टेट में चेंज हुई कैसे हुई ऑन कूलिंग पे चेंज हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे कंडेंसेशन तो आई होप आपको वेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों अच्छे से समझ में आ गए नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग स्टेट आइस इज अ सॉलिड वेन इट इज केप्ट एट अ वॉर्म प्लेस द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइस इनक्रीज एंड विकम फ्री फ्रॉम द रिजिट फॉर्म दे विकम लूजली पैक्ड एंड फॉर्म वाटर द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इन टू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेट है मेल्टिंग मेल्टिंग मीन्स पिघलना मेल्टिंग का क्या मीनिंग है पिघलना आइस इज अ सॉलिड आइस क्या होती है सॉलिड बर्फ कैसे होती है सॉलिड होती है उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बिल्कुल क्लोजली पैक्ड लेकिन वो कौन से कहाँ होंगे जब वो कूलिंग पे होगी जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा वहां पे वो सॉलिड स्टेट पे होगी लेकिन जब वो वार्म प्लेस पे कहीं गर्म प्लेस पे आ जाएगी तो क्या होगा जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे इंक्रीज़ uh, मतलब मॉलिक्यूल्स आइस इंक्रीज़ इन टू एंड दे द मूमेंट ऑफ आइस इंक्रीज जो उसकी मूवमेंट होगी आइस की बिल्कुल इंक्रीज़ होने लगेगी और वो कैसे हो जाएंगे धीरे धीरे किस फॉर्म में आ जाएंगे दे बिकम फ्री फ्रॉम द रिजिड फॉर्म वो रिजिड फॉर्म से चेंज कैसे हो जाएंगे क्योंकि जब वो वार्म प्लेस पे आएगी आइस तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगी तो वहाँ पे क्या हो रहा है जो हमारी सॉलिड स्टेट आइस की वो किस में चेंज हो रही है लिक्विड स्टेट में तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे बिकम लूजली पैक्ड एंड फॉर्म वाटर जो उसके मॉलिक्यूल्स है बिल्कुल लूज लूज होने लगेंगे और वो क्या बन जाएंगे वाटर तो सो हेर द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग तो मेल्टिंग क्या वो हमारे पास जो सॉलिड स्टेट है लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है ऑन हीटिंग उसको बोलेंगे मेल्टिंग फॉर एग्जाम्पल आइस आइस को जब हम ऑन हीटिंग हीट प्लेस पे रखेंगे वार्म प्लेस पे रखेंगे तो वो क्या होगा जो सॉलिड स्टेट है आइस की वो किस में चेंज हो जाएगी लिक्विड स्टेट में नैक्स्ट वन इज फ्रीजिंग व्हेन यू कूल व्हेन यू कूल वाटर द मोमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स क्लोज डाउन दे कम वेरी क्लोज टू इच अदर एंड पैक इन अ रिजिड शेप टू फॉर्म आइस द चेंज ऑफ लिक्विड इन सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग अब हमारे पास वाटर है उसको हम क्या करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं पहले तो वो लूजली पैक्ड हैं क्यों है क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में लेकिन जब हम पानी को किस में डालेंगे फ्रीजर में डाल देंगे उसका उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा बिल्कुल लो हो जाएगा तो वो लो टेम्परेचर पे कूलिंग पे क्या हो जाएगा जब हमारा जो लिक्विड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में चेंज होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रीजिंग सो सोयर द स्टेट द द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग फ्रीजिंग का एग्जाम्पल आपके पास जैसे आपने पानी लिया वो फ्रीज़र में डाल दिया उसके बाद उसका जो है वो क्या बन गया आइस बन गया उसको हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग तो आई होप स्ट्रेंड्स आपको ये फोर स्टेट जो हैं द तो स्टेट जो समझ में आ गए हैं तो आपने एक बार इन सबको रिवाइज़ करना है नेक्स्ट चैप्टर जो है हम कल कर रीड करेंगे ओके थैंक यू